कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। ये बनाई थी कढ़ी, और कढ़ी की रेसिपी जो है वो मैं बहुत दफ़ा जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। तो ये हमारा बस रात का खाना था, साथ में रोटियाँ बना लेंगे तो ये बस खाना हो जाएगा रात का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इशाल नो रनिंग बेटा जी। तो ये देखिए, आज आपकी खातिर ना मैंने ये क्या कहते हैं, स्टंट मार रही है। हाँ, जान अपनी हथेली पे रखी है मैंने आपकी खातिर, के मैंने आपको ना बाइक पे बैठ के दिखाने पूरा बैरिया ये इस तरीके से लगता है। देखिए फ्लैट्स वाली साइड भी दिखा रही हूँ। ये कौन से टावर्स हैं? ये 12 है, 12 है शायद, मेरी आई साइट इतने 14 है, ये 15 है। मज़ा आता है, ऐसे अच्छा लगता है ना बाइक पे भी। अच्छा सेल्फी स्टिक मेरे पास नहीं है, अगर होती ना तो मैं आपको सारा रास्ता जो है वो मैं आपको दिखाती। और ये देखिए आगे जो है ना मेरा काका बैठा हुआ ये शान बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है बाइक पे बैठ के ना, उसको बड़ा मज़ा आता है। तो आज हमने सोचा कि आज बस ज़रा ऐसे बाइक पे निकलते हैं, फिर थोड़ा आगे जाके ना वहाँ पे वॉक कर लेंगे। तो अभी कैमरा जो है वो हिल कैमरा हिल रहा है बड़े बुरे तरीके से। और ये टावर कौन सा आगे जी? ये तो टावर का लिखा भी नहीं हुआ। ये 19 है और इससे आगे 20। अच्छा टावर्स, ये जो सामने सामने प्रेसिडेंट 19 में जो टावर्स है ना, वहाँ पे ज़्यादा आबादी है, बाकी इधर उधर कम ही है, ज़्यादा बहुत अभी है ना। तो जो टावर्स है ना उनमें बस इन्हीं सामने सामने वाले टावर्स में ज़्यादा जो है वो आबादी है, तो पीछे वाले टावर्स में अभी कोई भी लेता नहीं है। और फिर वो खुद भी मना कर देते हैं कि अभी वहाँ पर कोई नहीं है तो अभी आप जो है वो ना। और ये देखें ये वाले बन रहे हैं, हम जो है ज़रा थोड़ा सा थोड़ी सी वॉक कर रहे हैं क्योंकि पहले जो है वो सर्दी बहुत ज़्यादा थी ना कुछ दिन, तो पॉसिबल नहीं था। तो फिर हमने कहा कि आज ज़रा निकलते हैं थोड़ी वर्कशॉप करते हैं। और ये देखें ये अभी बच्चे हैं ये ट्रीज़ के ना, चले इस साइड पे चलते हैं। तो ये वो साइड है जहाँ पे हमने फॉक्स देखी। कहाँ पे फॉक्स दिखी थी यार, क्यों डरा रहे हैं सबको? फॉक्स ना हमने एक दिन उस साइड पे देखी जब हम गए फाउंटेन गए थे ना, तो वहाँ पे हमने फॉक्स देखी। हम बाइक पे थे वापस आ रहे थे जब हम, तो तब हमने देखी थी कि फॉक्स जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं इनको, परिंदों के लिए पानी रखा हुआ है और दाना। हाँ हमारे पास तकरीबन कितना केजी पड़ा है? हमारे पास पड़ा है लेकिन वो अलाउ नहीं है ऐसे बिल्डिंग्स में ना इस तरीके से। वो बाहर मैंने कहा चलो मैं दाना डाला करूँगी, लेकिन वो परिंदे फिर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ना, पता लग जाए तो फिर वो अलाउ नहीं है क्योंकि बिल्डिंग जो है वो गंदी होती है। तो इन्होंने इस तरीके से जगह बनाई हुई है, यहाँ पे पॉट्स रखे हुए ताकि कोई भी अगर दाना डालना चाहे ना तो वो दाना डाल दें। तो ये देखें, वैसे ना बहरिया बड़े सुकून की जगह है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह से। और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आपको ना बहरिया में रहना कैसा लग रहा है, तो बहरिया में रहना माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि हमें वैसे भी वहाँ पे भी आदत नहीं थी, इतने रश हो रश की। हाँ किधर बी, इस टाइम पे बी कैसे आ सकती जानू? किधर किधर उधर उधर भागने का बहाना चाहिए क्योंकि हम तो जिस कंट्री में रहे हैं उसकी टोटल आबादी 1 करोड़ थी। हाँ। और यहाँ पे कराची की, कराची की तो माशाल्लाह 3.5 करोड़ है। एक कहा हमारे कराची सिटी की 2.5 करोड़ आबादी। यस रेडी, ढाई से भी ज्यादा हो सकती है शायद। हाँ बी की अफल जानी ये वो गार्बेज का एरिया है।
टांगों का कहाँ पे निकालते हैं? अच्छा यहाँ से निकालते हैं, साफ सुथरा है ये देखें, ये भी we are showing you that you are the best baby of the world. अच्छा जो हमारा जो फ्लैट है ना वो इसी साइड पे है ना, ये सामने वाली साइड पे इधर, तो इस साइड पे ना काफ़ी लोग जो है वो रात को वॉक कर रहे होते हैं और लेडीज़ भी चल रही होती हैं, दो दो तीन तीन जो है वो इकट्ठी वॉक कर रही होती हैं और चल रही होती हैं और सिक्योरिटी होती है। खैर अक्सर मैंने सिक्योरिटी को यहाँ पर ना घूमते फिरते देखा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, खैर कोई डर वाली। और अब ठंड जो है वो काफ़ी कम हो गई है, बड़ा मज़ा आता है। अभी भी मौसम है जो वैसे तो हमें सर्दी में ही ज़्यादा मज़ा आता है, तो पाकिस्तानी गया है, हद हो गई मतलब। ये देखो पता नहीं कौन फेंक के चला गया। अगर ना फेंके तो यहाँ पर ऐसे डस्टबिन, हाँ डस्टबिन भी हैं, हालांकि डस्टबिन बाय मायसेल्फ, ओके टॉक टॉक बाय मायसेल्फ दैट पीपल ब्रदर डैडी ब्रदर थ्रो इट रियली देन ही वेंट टू होम देन ही वेंट टू होम इज इट गुड टू थ्रो लाइक दिस स्पीकर इज इट नो और यस थ्रो लाइक दिस नो नो वी शुड थ्रो द गार्बेज हां शुड वी पनिश देम यस फिर आएंगे ना तो वो ये कौन सा ये पता नहीं कौन सा परिंदा है जो रात के टाइम बोलता है, अब मैं बनाऊंगी चाय या बेगम बना देगा चाय, ये आपकी ड्यूटी है वैसे, रात की चाय बनाना मेरी ड्यूटी है। हाँ जी सुबह लो ब्रिक लाएगी डील कर तो ठीक है, अभी चाय बन जाएगी। अच्छा ठीक है जाएंगे सुबह हलवा पूरी। वो देखिए वॉल से ना, वो देखें वॉल से दोबारा से उतरने लग गया, क्योंकि वो काफ़ी एक दफ़ा बस वो लग जाए ना दीवारों के ऊपर तो वो चीज़ फिर नहीं जाती। वो लगा के भी गए, सीमेंट लगाई उन्होंने सारा वहाँ पे, सीमेंट लगाई और सेट किया और उसके ऊपर फिर पेंट भी किया, लेकिन फिर से अब उतरने लगाया, फिर उनको बुलाएंगे, हम क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, वॉल्स गंदी लगती हैं, अब दोबारा उनको बुलाएंगे फिर वो दोबारा लगा के जाएंगे, एक दफ़ा की जो है वो बद एहतियाती की वजह से। देखें पता नहीं ये कैसे होता जा रहा है, कंस्ट्रक्शन पे कोई फॉल्ट होगा। उठती हूँ मैं, नहीं नहीं मैं बनाती हूँ, बना देता हूँ सुबह जो है वो, फिर तुमने हलवा पूरी नहीं खिलानी इसलिए जा रही है, खिलानी है सुबह, खानी है हमने हलवा पूरी। फिर डाइट पे क्या होगा? डहो मैं तो डाइट पे हूँ क्या हुआ यार, चाय बन रही है तुम्हारे लिए और मैं साथ में न्यूज भी देख रहा हूँ ना, मैंने कहा किचन में न्यूज देखने का मजा ही हो रहा है। नमस्कार मैं हूँ रवीश कुमार, आप रवीश कुमार का देख यार बहुत बड़ा अच्छा आदमी है वैसे ना, इसके फैन है ना इंडिया, हाँ वैसे इंडिया में ना वो सबको जोड़ के रखने वाली इसकी बात होती है हमेशा, अच्छा है वैसे ये इसकी बातें अच्छी होती हैं, मैं तो कहीं भी जाते बस ये होता है कि हम एक कौम हैं, एक इंडिया के सारे जो है वो कोई भी मज़हब है कोई भी वो सब एक ही हैं, तो हमें तो ये बहुत मतलब अच्छा लगता है। मतलब से कम कुछ बोलने वाला तो है जो, मैं क्यों हिला रही हूँ, काम तो आपके ड्यूटी तो आपकी है यार, सही है ना, कोई बात नहीं है ठीक है। ये देखें ये मेरी सब्सक्राइबर्स क्या कहेंगी, सारी मेरी बहनें क्या कहेंगी, वो यार मैंने बनाई हाल हमारी तरह ही है ऐसी बात ना करे ना मरवाना मुझे नहीं चूल्हा ये तो मैं दिखाती हूँ कि चूल्हा गंदा हो गया, ये देखें गंदा नहीं काफी, जब गंदा मैं तो रियलिटी दिखाती हूँ, जब नहीं, सही जब गंदा छोड़ दिया है तो छोड़ दिया है समझो, अब आज मेरे से नहीं सफाई हो रही थी बड़ा जो है वो हम तो बड़ी मुश्किल से रोका, नहीं तो इसका बस करता हर वीडियो में ना चूल्हा सफाई दिखा रहे हो ये मुझे कहते हैं हम क्या हर वक्त चूल्हा ही साफ करती रहती, छोड़ दो अब की तो अब मैंने छोड़ दिया बस, प्लीज़ अब मुझे किचन जो है वो अपना कंप्लीट कर देना मेरा,
किचन के ये लिए ये ना अपने उसमें लगे रहते हैं हर वक्त बोल्टन मार्केट तक घूमते रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाते रहते हैं आप है ना। अच्छा, और सारा दिन मेरा काम जो नहीं करते आप। रिक्वायरमेंट्स है ना वो तो दिखाऊं, ये मैं दिखाती हूँ कि क्या ये मेरा काम नहीं करके दे रहे। ये याद है आप लोगों को, आप सबको ये याद है ये वाली जो क्या कहते हैं लेके आई थी याद कैसे ये हाँ डंडोरा पीटा था मैंने, ब्लॉग बनाया था पूरा। और ये ना इसका पता है इन्होंने क्या किया, जब हम शिफ्टिंग वो कर रहे थे ना पैकिंग, तो मैंने इनकी बड़ी मिन्नतें की कि वो मुझे खोल दें इसका रॉड जो होता है वो, साथ में आई किया वालों ने ही वो जो है दिया हुआ था वहीं से हमने लिया था इसके साथ का, तो वो मैंने इनकी बड़ी मिन्नतें की। और वो हमारा ये फिर हमारे पास एलन की नहीं थी छोटी सी, तो ये देखें ये उसमें लगे हुए थे इस तरीके से ये ऐसे। तो ये मैं अब चाह रही हूँ कि ना वो फिर रॉड मुझे बनवा दें कहीं से ताकि मेरा कोई काम हो जाए इसमें लगा रहे ऐसे। ओह चाय उबल रही, चाय उबल रही, चाय नहीं उबल रही यार चाय वो तो बंद करें कॉपीराइट पड़ेगा मुझे यार, इससे बेटर और क्या चाहिए था। ये देखें ये हल निकाला इन्होंने ये लगाने का। चलिए जी चाय हमारी बन गई है और अब चाय भी इसने बनवा ली है और अपने वादे के मुताबिक ये क्या होता है हलवा पूरी वो भी नहीं खिलाएगी अब। हलवा पूरी तो मैं डाइट भी हूँ। खैर यार कौन जाता है 70 किलोमीटर दूर चाय पीने, मतलब हलवा पूरी खाने, 35 किलोमीटर जाने में 35 किलोमीटर नहीं तो इधर मलीर में। अच्छा आप लोग तो, ये भी आप लोग बताए तो मेरी सारी बहनें जो है ना वो कराची वाली उनको पता है बैरिया टाउन, ये सोच लो हलवा पूरी नहीं नसीब होगी। कोई बात नहीं, बाकी बहुत कुछ अच्छा है यहाँ पे, बहुत कुछ अच्छा है। तो वो जो है मैं क्योंकि इंसान ना जहाँ पे रह रहा हो ना कभी उस जगह की बुराई ना करे। आपको अगर कोई मुश्किलात वगैरह कभी पेश आ भी रही है ना थोड़ी बहुत, तो फिर भी शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने काफ़ी लोगों से बेहतर जो है वो आपको जगह दी हुई है, आपको नेमतें दी हैं और बहुत अच्छी अल्लाह ने आपको लाइफ दी है। अगर हमारे अमाल के मुताबिक हमें मिलता तो इसका तो मैं कहती हूँ इसका 10% भी ना होता जितना हमें मिला हुआ है, तो इसलिए हम ना मैं कहती हूँ बेसमेंट में भी ना मिलती। तो शुक्र अदा करना चाहिए, कभी भी उस जगह की बुराई ना करें, चाहे आपका मुल्क है, चाहे आपका शहर है, आपका घर है, आपका गांव है, कुछ भी है, तो उस जगह की कभी बुराई ना करें। और जो जॉब आप कर रहे हो ना तो उसको भी कभी आप बुरा ना कहें कि हाँ ये अच्छी नहीं है जॉब और इतनी जो है वो ढूंढो से उससे बेटर, हाँ उसे बेटर ढूंढ लें, लेकिन जो है कभी उसकी बुराई मत करें कि हमें अच्छी नहीं मिल रही या हमें काम बहुत है या थकने वाली जो भी है, मतलब अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करें ना तो अल्लाह ताला और देता है। और अल्लाह ताला दे सबको दे, आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह सबको दे। और सारी ब्लॉगर्स जो हैं जितनी जितनी जो जो भी जहाँ जहाँ पे भी हैं अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो दिली दुआ है जो कि इतनी मेहनत कर रहे हैं सब, और जब हमने स्टार्ट किया था तो मुझे पता है कि कितनी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और किस तरीके से, मतलब एक एक मिनट काउंट कर रहे होते थे हम लोग कि अभी हमारा एक मिनट, 4000 घंटे आप देखें, 4000 मिनट, 4000 घंटे या मिनट, 4000 घंटे, 4000 घंटे पूरे करने होते हैं आपको, तब आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज होता है। और मोनेटाइज होने के बाद कोई अर्निंग भी इतनी ज़्यादा खास नहीं होती कि बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग हो गई है, बहुत मतलब एक लिमिटेड ही, बहुत आपको बस एक तसल्ली हो जाती है, तसल्ली हो जाती है कि कुछ कर रहे हैं हम भी, बैठे नहीं हैं बस ऐसे ना कोई। और बहुत सारे लोग जो है वो शौकिया करते हैं, बहुत सारे करते हैं एज अ जॉब लेते हैं, बहुत सारे शौकिया करते हैं, तो हर कोई पैसे के लिए नहीं करता। और जो कर रहे हैं उनको आप उनका दिल ना गिराएं कि पैसा कमा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उनका दिल ना, जो कर रहे हैं वो भी दिल ना अपना गिराएं। हाँ, और जो कर रहे हैं ना जिनका भी जो है उनको तो मुश्किलात का जो है वो सामना है, तो वो भी अपना दिल ना गिराएं, वो भी हिम्मत रखें। नहीं मैं नहीं लूँगी, आप भी ना लें, खुद डाल रहे हैं तो क्यों डाल दिया मेरे जानबूझ के, देखिए जानबूझ के मेरी चाय में चीनी डाल दी। चल ठीक है, ओके ओके जी, हम पीते हैं चाय और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ। देखिए मेरी बातों का मेरे जो मेरा एक खास फिक्र है कि खुश रहें और खुश रहने दें, और उसका मजाक बना रहे हैं आप, हद है यार। यार बहुत सीरियस बात है। अच्छा चलें जी, बस अब हम चलते हैं और चाय पीते हैं, और आप भी जो है
और उसके बाद हम सोते हैं। हाँ, आप भी जो है हमें दुआ में याद रखें, खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और हमारे लिए दुआ करें, हमारा जो काम लटका हुआ है वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, फिर हम आपको लाहौर की सैर कराएं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।